17 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, भाजपा और जदयू की सरकार हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आज 17 साल के शासन के बाद भी बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, सबसे कम आमदनी वाला राज्य है, सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य है, सबसे बदहाल राज्य 17 साल में है, जबकि पिछले 10 साल में केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है और 40 में 39 सीट बिहार की जनता ने उनको दे रखा है, भाजपा और जदयू को दे रखा है, लेकिन बिहार का पिछले 10 साल में न विशेष राज्य का दर्जा मिला, न बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिला, न ही बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री ने कभी एक गंभीर बैठक किया। इसलिए स्पष्ट है कि एनडीए सरकार बिहार का भला नहीं चाहती है। नीतीश कुमार ने कहा था बिहार का भला तभी हो सकता है जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आज नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हैं, साथ हैं, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा ले रहे हैं? सिर्फ प्रधानमंत्री बनना है नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री बनना है नीतीश कुमार जी को। बिहार की बदहाल स्थिति को ये लोग दूर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें बिहार का विकास अगर हो सकता है तो 17 महीने में जिसने बिहार का विकास किया है, महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही बिहार का विकास हो सकता है। और अगर बिहार का विकास करना है तो निश्चित रूप से केंद्र में भी हमारी सरकार होनी चाहिए। इसीलिए अगर महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार अगर दिल्ली में बनती है तो निश्चित रूप से बिहार के पिछड़ा मन को दूर करने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएगी और बिहार को सबसे उन्नत राज्य कराने में अहम भूमिका निभाया जाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ बिहार के कोने कोने से आए हुए तमाम साथी को क्रांतिकारी अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शाहीन भाई।